आप खुद ही देखिए ना, पूजा नरेन का इतना अच्छे से ध्यान रखती है, इतने दिनों में हर उतार चढ़ाव में उसके साथ ही खड़ी रही, और नरेन भी उसकी बात सुनता है, मानता भी है, तो फिर परेशानी की क्या बात है? आखिर में हम नरेन को खुशी देखना चाहते हैं ना? ये देखिए, ये झुमके मैंने अपने बहू के लिए बनवाए थे, मैं पूजा को देना चाहती हूँ। मेरा यकीन कीजिए, पूजा से बेहतर हमारे नरेन के लिए और कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। बस कीजिए सुप्रिया, बस कीजिए अपनी ये बकवास। आप तो ठिकाने हैं आपका, जानती भी हैं क्या कह रही हैं आप? पूजा और नरेन की शादी? लेकिन एक बात, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना। नरेन और पूजा की शादी? नो, आई कांट लेट दैट हैपन। नरेन और पूजा कभी एक नहीं हो सकते, नेवर। दीदी, अब नरेन भैया नहीं आएंगे? अब तो नाटक का प्लान फ्लॉप। नहीं रौनक, हमारे कृष्णा जी जरूर आएंगे, बस अभी वो थोड़ा भाव खा रहे हैं। रौनक, भूमि, सब यहाँ आओ, मैं कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, आपका दिमाग खराब हो गया है सुप्रिया, आप ये कैसे भूल गई कि उधार की शान और शौकत पे जी रहे हैं हम? ये देखिए, व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज खड़ी है तो भोला बाबू की इन्वेस्टमेंट्स की बदौलत। आज अगर भोला बाबू अपना हाथ हमारे सर से उठा देना तो जानती हैं क्या होगा सुप्रिया? हम सब सड़क पर आ जाएंगे, सड़क पर, और साथ ही साथ हमारे बरसों की मेहनत से कमाई हुई शोहरत, मार्केट में रेपुटेशन, सोसाइटी में इज्जत, सब कुछ खाक में मिल जाएगा। लेकिन इस सब से मेरे बेटे का क्या लेना देना? क्या उसकी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? अरे उसी की खुशी, उसी के फ्यूचर की तो परवाह है मुझे, इसीलिए तो मैं और भी परेशान हूं, दिन रात उसी की चिंता में तो लगा रहता हूं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं सुप्रिया, कि मैंने भोला बाबू को जबान दे रखी है कि उनकी बेटी कियारा की शादी हमारे बेटे नरेन से ही होगी। पूजा, यहां। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम की झलकियां हैं, इसे याद कर लो, यही गाना है तुम दोनों को। याद कर लोगे ना, बच्चे खुश हो जाएंगे नरेन। चलो बच्चों, वहां जाके बैठते हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो भोला बाबू और हमारे परिवार के बीच 25 सालों का नाता रहा है। 4 साल का था नरेन जब अम्मा ने नरेन और कियारा के रिश्ते की बात छेड़ी थी, और आज बरसों बाद अम्मा न्यूयॉर्क से ऋषिकेश आ रही हैं, तो नरेन से मिले बिना थोड़े ही मानेंगी। और जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा नरेन जोगीपन के रास्ते पे निकल पड़ा है, तो सोचिए ये नरेन और कियारा की शादी के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। और भोला बाबू अपसेट हो जाएंगे वो अलग, और इस वक्त मैं भोला बाबू को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता, किसी कीमत पर नहीं। आ,
नौकरानी को अपनी बहू बनाना चाहती है? डोंट वरी मॉम, वो हमारी फैमिली के स्टेटस के लायक नहीं है, और वैसे भी ताऊजी थोड़ी इस रिश्ते के लिए मानेंगे। आई एग्री राहुल, लेकिन अगर सुप्रिया के दिमाग में ये बात आ गई है तो हम शो में जीजू को भी कन्विंस कर लेगी। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट, वो लड़की नरेन को एक्चुअली बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। रात से पहले मैंने नरेन को किसी के कंट्रोल में आते हुए नहीं देखा। एंड आई एम अफ्रेड अगर वो लाइन पर आ गया तो हम सब लाइन से बाहर हो जाएंगे। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप नरेन बाबू को बार बार बहकाना बंद कीजिए। आपने अब तक जो भी किया मैं चुप थी, लेकिन अब आप नरेन बाबू का फायदा नहीं उठा पाएंगे, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? We need to do something. हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा ताकि जो बात अब तक सुप्रिया के दिमाग में है वो उसके मन में ही दबके रह जाए। Do something, राहुल, do something. Relax, mom, relax. उस नौकरानी का ऋषिकेश में आज आखिरी दिन होगा। पूजा जी, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। राधा जी के कभी दर्शन नहीं हुए, पर तुम्हारे जैसे ही होगी। तुम्हारी फेवरेट मिठाई भी मंगवाई है। थैंक यू आंटी। और आंटी, मैं तो भूल ही गई, मुझे मंदिर के लिए निकलना होगा। नरेन बाबू मुझसे चिढ़े हुए हैं, उनकी क्लास का मैंने सारा सामान छुपा दिया है। बच्चों के साथ रहते रहते तुम दोनों भी बच्चे बन गए हो। आंटी, ये मिठाई मैं नरेन बाबू और बच्चों के लिए साथ लेके जाऊं? लो। इतनी देर में पता नहीं क्या बवाल खड़ा कर दिया होगा। पूजा घर से निकल चुकी, तैयार है ना? पूजा कहाँ रह गई? भाई, क्लास का सारा सामान तो छोड़ जाना चाहिए था, बट नहीं। तुम्हें भी कृष्ण बनना है? Why not? अगर पूजा जी राधा बनेगी तो मत, वो तो मैं ये कह रहा था कि आप क्या कमाल लग रहे थे ना, आजा भी लो। ए, पकड़ इसको।